पाकिस्तान पर कई थपेड़े एक साथ पड़े हैं, जिसमें कश्मीर उसके ख्वाबों से पूरी तरह निकल चुका है। एपीजी ने उसे काली सूची में डालकर उसकी चिंता और बढ़ा दी है, जबकि दुनिया में पाकिस्तान की सुनवाई बंद हो रही है। इससे पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में हड़कंप की स्थिति है। बड़ी बात यह है कि इमरान सरकार द्वारा जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल के एक्सटेंशन ने पूरे पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। इससे पाकिस्तानियों के तहमन तो फटे ही, खुद सेना में भी जिस प्रकार के स्वर उभरे, उससे पाकिस्तान में बड़ा हंगामा हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। इमरान सरकार ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए यह सौदा किया है। दुनिया में इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान में कभी भी तख्तापलट हो सकता है। इन चर्चाओं ने उस वक्त और जोर पकड़ा जब इमरान खान अमेरिका में सार्वजनिक मंचों से यह बयान देते नजर आए कि पाकिस्तान में 40,000 आतंकवादी मौजूद हैं। इससे पहले इमरान खान अपनी ईरान यात्रा के दौरान भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि ईरान पर होने वाले आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल होता है। पाक आर्मी को इमरान खान के ये दोनों ही बयान बेहद नागवार गुजरे हैं। इमरान खान समझ गए कि उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना को चुनौती दे डाली है। इस मुद्दे को बैलेंस करने के लिए उन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन का लॉलीपॉप देना कहीं अधिक मुफीद समझा और उन्हें 30 नवंबर 2022 तक सेना प्रमुख बना दिया, यानी सांप भी मरे और लाठी भी नहीं टूटे। पर अब इमरान का फैसला उल्टा पड़ने जा रहा है। अपनी कुर्सी बचाने और बाजवा को खुश करने के चक्कर में इमरान खान ने जो चाल चली, उससे पाक आर्मी में विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। दरअसल तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार ने 19 नवंबर 2016 को बाजवा को सेना प्रमुख बनाया था। उनसे पहले राहिल शरीफ इस पद पर मौजूद थे। इमरान खान द्वारा बाजवा का कार्यकाल वर्ष 2022 तक किए जाने के बाद उन 20 लेफ्टिनेंट जनरल के सपनों पर पानी फिर गया है जो सेना प्रमुख के पद की कतार में लगे हुए थे, क्योंकि 2022 तक यह सभी 20 लेफ्टिनेंट जनरल अपने वर्तमान पद से रिटायर हो जाएंगे। इन लेफ्टिनेंट जनरल ने अब विरोध का बिगुल बजाना शुरू कर दिया है। इनमें से किसी को भी बाजवा का एक्सटेंशन पच नहीं रहा है। इन लेफ्टिनेंट जनरल में सबसे वरिष्ठ सरफराज सत्तर हैं, जिन्हें तत्कालीन सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने सितंबर 2016 में पदोन्नत किया था। सरफराज फिलहाल पाक सेना की जनरल स्ट्रेटेजिक प्लांस डिवीजन के निदेशक हैं। इनके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम राजा, हुमायूं अजीज, नईम अशरफ, काजी मोहम्मद इकराम और बिलाल अकबर जैसे नाम हैं। सरफराज सत्तर ही अन्य जनरल को साथ लेकर पाकिस्तान में किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। बड़ी बात यह है कि बाजवा के मुकाबले सरफराज सत्तर की पकड़ पाक सेना पर कहीं अधिक मजबूत मानी जाती है। राहिल शरीफ के पद मुक्त होने के बाद सरफराज सत्तर सेना प्रमुख पद के रूप में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ ने व्यक्तिगत संबंधों के चलते पाकिस्तान सेना की अहम इकाई रावलपिंडी कोर्प्स के कमांडर रह चुके बाजवा को सेना प्रमुख बना दिया। इसके बाद भी सरफराज सत्र इसलिए चुप रहे कि उन्हें लगता था बाजवा वर्ष 2019 में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद दिसंबर माह तक उन्हें सेना प्रमुख की गद्दी मिल जाएगी। लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। सरफराज सत्र आग बबूला है। वे पाकिस्तान सेना में बाजवा के खिलाफ विरोध के स्वर मुखर कर रहे हैं। इस अभियान में शेष 19 लेफ्टिनेंट जनरल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाजवा दिन प्रतिदिन अकेले पड़ते जा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई है, उससे पाकिस्तान में तख्तापलट की संभावनाएं भी काफी बढ़ गई है। यानी इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो दांव चला था, वह बाजवा को भी इस्लामाबाद के चौराहे पर लटकाने का कारण बनने वाला है। बाजवा के खिलाफ विद्रोह का असर पाक आर्मी के रक्षा दिवस पर 6 सितंबर को भी दिखाई दे सकता है। बड़ी बात यह है कि पंजाब रेजिमेंट, सिंध रेजिमेंट और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट सरफराज सत्र के एक संकेत पर कोई भी कदम उठा सकती है। खासतौर से पंजाब रेजिमेंट अब तक के तख्तापलट के फैसलों में बड़ी भूमिका निभाती आई है। शेष 3 रेजिमेंट में अन्य लेफ्टिनेंट जनरल अपने अपने स्तर पर टोल लेने की कोशिश में है। जनरल बाजवा को इस साजिश का एहसास हो चुका है, इसलिए वह डैमेज कंट्रोल करने के लिए सेना को सियासत से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, जबकि वह खुद सियासत करने पर उतर आए हैं। वैसे भी पाक आर्मी का काम सियासत ही है और वह प्रोक्स रूप से पाकिस्तान के आर्थिक और विदेश नीति के फैसलों में पूरा दखल रखती है। सरफराज सत्र के नेतृत्व में पाकिस्तान की इमरान सरकार और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी कभी भी दानल का रूप ले सकती है। खास बात यह है कि पाकिस्तान की जनता पर इमरान खान ने टैक्स और महंगाई के चाबुक चलाए हैं।
उससे भी इस सरकार से लोगों का मोहभंग हो चुका है। इमरान खान ने सत्ता में आने से पहले जितने वादे किए थे वे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। यानी पुराने पाकिस्तान का यह नया प्रधानमंत्री केवल बकलोल ही साबित हुआ है। यदि सरफराज सत्र की अगुवाई में तख्तापलट की घटना को अंजाम दिया जाता है तो पाकिस्तानी जनता का उन्हें पूरा समर्थन मिलना तय है। सरफराज सत्र पर लोगों और सेना के बड़े तबके का भरोसा पहले से ही रहा है। इमरान खान द्वारा उन्हें नजरअंदाज करके बाजवा को जिस तरह 3 साल का एक्सटेंशन दिया उससे सरफराज सत्र के प्रति सेना में सहानुभूति भी बढ़ी है। यानी शैतान पड़ोसी के कबाड़ हो चुके ताबूत में 1 किलो और ठुकने वाली है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।